नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्निकल ईगल। तो कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीफेस एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन की सहायता से आप किसी भी दूसरे म्यूज़िक वीडियो में या किसी अन्य टाइप के वीडियो में आप अपना फेस लगाकर उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को रजिस्टर कैसे करना है और इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। अगर आपको इस एप्लीकेशन से लेके कोई भी क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास रीफेस का ऐप होना ज़रूरी है। मैंने पहले से ही इसको डाउनलोड करके रख लिया है, आप भी इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप किसी भी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, उस पर अपना फेस लगाना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी से इस पर अपना फेस लगा सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको किसी भी वीडियो पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ये रीफेसिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। इसमें आपको एडवर्टीजमेंट आएगा थोड़ा सा, ये 3 डे फ्री ट्रायल है। ये देखिए दोस्तों, इसमें वीडियो एडिट हो चुकी है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, तीन ऑप्शन और भी इसमें आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको किसी दूसरी इमेज को सिलेक्ट करना है या किसी दूसरी फ़ोटो को आपको एडिट करना है तो आप इस ऑप्शन का क्लिक करके जा सकते हैं। इसके साथ आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, इसके साथ आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर दूसरी इमेज को सिलेक्ट करना है तो आप इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करके, अगर आपको सेल्फ़ी लेना है या कैमरे से किसी दूसरे पर्सन के फ़ोटो पर क्लिक करके आपको उसका एडिट करना है वीडियो, तो आप इस कैमरे की सहायता से कर सकते हैं। नहीं तो आपको गैलरी की पर जाकर किसी दूसरे हीरो का पिक लेकर आप उसको कन्फर्म कर सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक फ्री ट्रायल है दोस्तों, पेड वर्जन नहीं है, इसके कारण आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, आप इसको सेव भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।